नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कौशिकी टेक्निकल में। मैं हूं आपका दोस्त भावेश कौशिक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम बात करेंगे, जो कि मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो हमारा मॉडल पेपर है वो कैसे आता है। तो जो मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है तो प्लीज़ इसको देखना। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो मॉस का जो मॉडल पेपर है तो उसको कैसे करना होता है, कैसा आता है, इसी आधार पर हर बार पेपर में आता है। तो प्लीज़ देखते हैं, एंड तक बने रहें इस वीडियो में। तो देखते हैं, ये आता है नोट्स, सभी प्रश्न हल कीजिए। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों के हल कीजिए। ये दो तीन दे रखे हैं, एक दो एक लास्ट में नीचे है, इनमें दो करने हैं आपको, जो कि पाँच नंबर का एक है वो जो पूरा दस नंबर का हो जाएगा। तो पहला है तन्यता तथा भंगुरता में अंतर बताइए। इन दोनों आपको अंतर बताना, तन्यता तथा भंगुरता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में को परिभाषित कीजिए, थकान, चीमड़पन, दृढ़ता। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है। एक खोखली छड़ जिसकी लंबाई 3.5 मीटर तथा भार बोझ 120 mm है, छड़ पर 400 kN का खिंचाव बल लग रहा है और 2 mm तक लंबाई में खिंचाव होता है। यदि छड़ के लिए E बराबर 200 GPa है तो छड़ की आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। आंतरिक व्यास ज्ञात करना है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की सीरीज अभी चलेगी तो बने रहें चैनल पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो भाग हल कीजिए। तो इसमें भी वही तीन दे रखे हैं, एक येरा एक नीचे है, इसमें भी आपको दो ही हल करने हैं। तो देखते हैं, एक पिंड में स्वयं के भार के कारण खिंचाव ज्ञात कीजिए। दस नंबर पाँच नंबर के दो क्वेश्चन है, 10 नंबर का पार्ट है। नेक्स्ट है, एक साधारण धरन जिसकी लंबाई 6 मीटर है पर 5 kN का संवितरित भार जो है 3 मीटर तक की दूरी तक लगाया जाता है। धरन के लिए कर्तन बल तथा बंकन आघूर्ण आरेख खींचिए तथा अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, सरल बंकन के सिद्धांत से क्या धारणा है। जो कि थर्ड जो भाग शुरू हो रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों का हल कीजिए। ये भी दो ही करने हैं, तीन दे रखे हैं। एक पिंड जिस पर धीरे धीरे बल लगाया जाता है, विकृति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो है, एक आयताकार खंड का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, एक कॉपर की छड़, दृढ़ छड़ जिसकी लंबाई 300 मीटर तथा 400 mm का व्यास, एक स्टील की ट्यूब जिसका आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 50 mm तथा 60 mm है, तथा इस वासर जिसकी मोटाई नगण से टाल्ड है, कॉपर की छड़ पर प्रतिबल ज्ञात कीजिए। जब नट इस तरह के टाइल के लिए कॉपर की छड़ पर 100 kN का तनाव बल लग रहा है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से दो भागों को हल कीजिए। पहला है, लकड़ी का आयताकार छड़ खंड बीम जिसकी लंबाई 4.8 मीटर है, सरल अपने दोनों सिरों पर समृद्ध है, इसे पूरी लंबाई में समान रूप से वितरित 45 kN के कुल लोड को ले जाने की आवश्यकता होती है। भीम की चौड़ाई व मोटाई ज्ञात कीजिए, जबकि भीम में अधिकतम प्रतिबल बेंडिंग जो है 7 MPa से ज़्यादा नहीं होती तथा अधिकतम झुकाव 9.5 mm व ई बराबर 10.5 GPa है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसमें एटन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इसी में जो है, एटन के कारण विकृति ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आखिरी ये है खंड है, निम्नलिखित में दो भागों को हल कीजिए। दो भाग हल करने हैं, उसमें तीन देखा है। सब भी जो पूरी अभी तक सीरीज ऊपर से जो खंड आए, तीन दे रखे हैं आपको, दो करने हैं, एक छोड़ना है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, दो कर दीजिए जो भी आपको आ रहा है। तो ये है, इड्यूल्स कोमल सिद्धांत को समझाइए तथा इड्यूल्स कोलम के दौरान किन किन बिंदुओं की कल्पना की जाती है। तो पहला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न इन पर टिप्पणी कीजिए संक्षिप्त में। इन पर टिप्पणी करनी है, हो प्रतिबल पर टिप्पणी करनी है, मतलब शब्द लिखने हैं संक्षिप्त रूप में, छोटे शब्द लिखने हैं, ज़्यादा जो भी आप जिसके बारे में जानते हो वो आप लिख दीजिए। आयतनीय विकृति के बारे में, परिधीय विकृति के बारे में। नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल है, एक खोखली अलाइड ट्यूब जिसकी 4 मीटर लंबाई है तथा इसके बाह्य व आंतरिक व्यास क्रमशः 40 तथा 25 mm है, ट्यूब में
4.8 mm का घिसाव आता है। जब उस पर 60 किलो न्यूटन का तनाव बल लगता है तो ट्यूब पर सेफ बल का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों किनारे पिनेट हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है। तो ये था, प्रत्येक में जो है 3 दे रखे हैं हमको, खंड में 3 प्रश्न, जो कि हमको केवल उनमें से 2 करने हैं। 2 में से आपका एक न्यूमेरिकल है, 3 में से ऐसे करने को आएगा। तो प्लीज़ चैनल को देखना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।